नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत को लेकर आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और बीजेपी द्वारा लगातार प्रदर्शन और हंगामा किया जा रहा है। चाहे सदन की बात करें या सदन की बाहर बात करें, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इसी क्रम में हम आपको तस्वीर दिखाते हैं विधानसभा का, जहां आप देखिए किस तरह से हाथों में तख्ती को लेकर बीजेपी के जो लीडर हैं, चाहे हम बात करें संजय सरावगी के या प्रेम कुमार का, तो तमाम जो नेता हैं वो देखिए किस तरह से हाथों में तख्ती लेकर के सत्ता संपोषित शराब बिकवाना बंद करो, शराब के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करो, छपरा कांड का अपराधी कौन, सरकार क्यों है आजमौन, चारों ओर बिक रही है शराब, नीतीश कुमार अब दे जवाब, यानी कि तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपने हाथों में तख्ती लेकर के किस तरह से प्रचार जो है वो एक तरह से प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। माँ बहन बेटी करे पुकार, रोको उनका बलात्कार, यानी कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात नीतीश कुमार करते हैं, आए दिन विधि व्यवस्था की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियाँ जो है वो इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं है और सरकार के खिलाफ जो एक्शन है वो एक बार फिर से रवैये को देखने की कोशिश कर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए किस तरह से लगातार नारेबाजी जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो ये तस्वीर बिहार विधानसभा का है, जहां शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। भले ही यह सत्र छोटा हो, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं जनता के जनहित के मुद्दे जो है जो सदन में उठाया जा रहा है और लगातार विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों को सदन में उठाने का काम कर रहा है और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो जहरीली शराब से लगा आए दिन मौत जो हो रही है उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो क्या आए दिन सरकार की नज़रें क्यों नहीं पड़ रही है जहरीली शराब पर? हालांकि जब अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो नीतीश कुमार दावे करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही है, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है, क्योंकि जहरीली शराब से लोगों की जो मौत हो रही है उस पर सरकार ने भी कई बार कहा कि जो शराब पियेंगे वो मरेंगे ही, लेकिन जहाँ से बनता है शराब वहाँ पर सरकार क्यों नहीं आखिरकार रोक पा रही है, आखिरकार क्यों नहीं कोई वैसा एक्शन ले रही है ताकि जो तांडव हो रहा है वो उस पर लगाम लगाया जा सके। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।